आपका देवेंद्र कुमार किस संगठन से किस पद में? भारतीय लोक जिला मीडिया प्रभारी हूँ। आज आप सभी लोग यहाँ पे काले झंडे और अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं क्रिश्चियन ग्राउंड में, क्या है पूरा मामला? सर हम लोगों की छह सूत्री मांगे थी जी, जो 21 से बराबर लगातार ज्ञापन देते चले हैं और तीन चार बार धरने पे भी बैठे, तो शासन और प्रशासन की दबाव मतलब जो है पहला पूछा के उठा देते, कहते तुम्हारा काम हो जाएगा, और आज तक के अभी तक कोई काम नहीं हुआ। क्या क्या मांगे थी आपकी? मांग पहले तो ये कायम जो है मटके चौराहे का, ठीक है, एसडीएम द्वारा अवैध उसपे कब्जा हटवाया गया, फिर उसपे हम लोगों ने जब धरना दिया, फिर उसी के बाद एसडीएम साहब ने पुनः दोबारा फिर उसपे कब्जा कराया गया, और ये ग्राम सभा आजमतपुर, ठीक है, उसमें 644 में अवैध रूप से सचिवालय बना दिया गया, और आज तक वो वैसे ही पड़ा हुआ है। आपने डीएम कार्यालय जाके ज्ञापन वगैरह दिए? डीएम को दिए। आज आपने अभी जैसे बताया कि पेट्रोल वगैरह, एक क्या मामला हो गया पेट्रोल? ये हमें जब मेरा बेटा गायब हुआ था ना, तो हमने ये सारे कर्म पहले। कब आपका बेटा गायब हो गया था? 12/4/16 ग्राउंड में आना, 12/4/16 से बेटा लापता, 2016 से जी, 16 में ग्राउंड में। तो क्या आपको, आपने क्या आशंका क्या उसमें लगी बेटे गायब होने में? ये जो सचिवालय बना मेरे खेत में, ठीक है, तो हमने उसमें विरोध किया, ठीक है, विरोध करने के बाद इधर और हम जब राजेश बाबू बोला कि आप अपने नक्शा दुरुस्ती कराइए, मेड़बंदी कराइए, आपका खेत पूरा हो जाए। तो आज आप लोग क्रिश्चियन ग्राउंड में यहाँ अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति है? बस हम लोगों न्याय के लिए कर रहे हैं। तो यहीं पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, धरना प्रदर्शन तो यहाँ से पैदल मार्च करेंगे। तो आपके संगठन के जिला अध्यक्ष भी हैं, क्या नाम है जिला अध्यक्ष का? सत्यवंजा। तो आपके संगठन के और भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं? पूरा संगठन है, पूरे संगठन की जमती है। आप अभी पुलिस मौजूद है, आपकी वार्ता हुई है, क्या आश्वासन मिला है अभी? आश्वासन ये मिला है कि आप कपड़े पहने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवान झा है। सत्यवान झा जी, किस संगठन से और किस पद? किसान लोक शक्ति का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग यहाँ क्रिश्चियन ग्राउंड में अर्धनग्न और काले झंडे लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण बन गया कि आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ा? कारण ये है, हमने 5 छोटी छोटी समस्याओं को लेके मैंने 7 बार ज्ञापन दिए, 7 बार। नहीं, आपके वो मीडिया प्रभारी 6 समस्याएं बता रहे थे। नहीं, ज्ञापन 7 बार दिए, समस्याएं 6 हैं। 6 हैं, 6 समस्याएं हैं। तो और उनमें ज्यादातर जमीन से संबंधित समस्याएं हैं, एक अम्बेडकर पार्क को हद के लेके समस्या है, उसपे एसडीएम साहब ने खाली भी कराया हम लोगों को धरना देने के बाद, बाद में 2 घंटे उस पर कब्जा करा दिया गया। आपने कितनी बार प्रार्थना पत्र दिया है? 7 बार ज्ञापन दिया तो है। आप लोग कलेक्ट्रेट में भी धरना कर चुके? कलेक्ट्रेट में धरना कर चुके, हमें जब रात को आश्वासन दे के और प्रशासन के सुझाव से अच्छे अधिकारियों को भेज के हटा दिया जाता है, कल आपकी समस्या दूर हो जाएगी, आज तक कोई भी समस्या दूर नहीं। तो आज आप लोग यहाँ क्रिश्चियन ग्राउंड में धरना दे रहे हैं, क्या यहाँ की रणनीति क्या है? आज हम लोग यहाँ क्रिश्चियन ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं, यहाँ से अर्धनग्न अवस्था में कलेक्टर जाएंगे और वहाँ धरना स्थल पे बैठेंगे। तो यहाँ पे पुलिस बल मौजूद है, तो क्या मतलब वार्ता क्या हुई है यहाँ पुलिस बल से? कुछ पुलिस बल से वार्ता? पुलिस बल तो भाई भाई बंधु है, वो तो हमें सुरक्षा में आए हैं भाई, कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए। कोई कितनी देर हो गई है आपके यहाँ पे? हमें यहाँ बैठे हुए लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गया। तो कोई भी जिला प्रशासन का अभी अधिकारी? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है, और जिला प्रशासन आएगा क्यों? जिला प्रशासन सब किया कराया, 10 बार तो भेज दिया वापस, अब क्यों आएगा, किस मुँह से आएगा? भ्रष्ट अधिकारी बैठे सारे, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं है। और अगर मेरा मानना ये है, अगर जनता का सर्वे कराया जाए डीएम और एसडीएम के खिलाफ, तो 99% यही लोग कहेंगे सबसे भ्रष्ट अधिकारी यही है आज तक के। आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति यही है, यहाँ से पैदल मार्च करेंगे अर्धनग्न अवस्था में और वहां पे धरने पे बैठेंगे।